वोट इस सब पर पड़ता है, सोयाबीन पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, वोट तो जाति और धर्म पे पड़ रहा है। नहीं नहीं, जाति धर्म का वो यानी हमको तो नहीं लगता भाई कि कोई भी दूसरी सरकार आए तो हमको चलता। मैं तो वोट के टाइम में घर को भी नहीं रहूंगा, इधर ही हूँ, बाहर ही छू अभी। अच्छा, ये राहुल गांधी जो जाति और आरक्षण की बात करते हैं और जातिगत जनगणना की, ये मतदान छीनने के लिए करते हैं, बाकी दूसरी कोई बात नहीं है, खाली वोट पाने के। बस दूसरा क्या है उसमें, दूसरा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है संविधान पर कोई खतरा है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, संविधान नहीं बदल सकता कोई। तो फिर ये संविधान संविधान क्यों रट लगाते हैं? अभी वो उनका है वोट खरीदने के लिए बताते। और ये जो मोदी जी कहते हैं कि ये कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही, हाँ उनकी बात बराबर है ना उनकी बात। ये तो जाति पे जो इलेक्शन चलता है, जाति पे जो ये बता रहे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये तो बात बराबर है उनकी। तो आएगी किसकी सरकार, क्या तो नहीं बता सकता मैं, ये बता नहीं सकता। कोई बोलते कांग्रेस आने को होना, कोई बोलते बीजेपी आने को होना, अभी कौन आती ये नहीं बता सकते। पिछली बार ये विदर्भ इलाके में बीजेपी का अच्छा था, इस बार रहेगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता। देखिए, यहाँ पर रोज दीक्षा भूमि में एक अच्छी खासी संख्या में लोग आते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था, दीक्षा ली थी, दीक्षा भूमि कहते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर को नहीं, हर साल विजयादशमी के दिन यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आप कहाँ से? मैंने आपको 24 में देखा। हाँ, 24 में क्या आपको देखा हूँ, कई बार हर जिले में देखा हूँ, हर शहर में हर जिले में हर कस्बा में देखा हूँ आपको। मैंने आज पहली बार आपको फेस टू फेस देख रहा हूँ। अब मैं भी बहुत जबलपुर से आया हूँ, नागपुर में पहली बार देखा आपको मैंने। आप वो सवाल करते हैं जो कोई नहीं करता। सही करता हूँ कि नहीं काम? एक नंबर का काम करते हो, जो गलत है वो गलत है और जो सही और साथ हो सकता है मेरी भी पहुँचा दो आप। वीडियो तो कुछ कटता नहीं, आप काम क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ जबलपुर में, मैं फौज में इलेक्ट्रीशियन काम करता हूँ, प्राइवेट में, सरकारी नहीं मेरी। अब यहाँ आ गए, यहाँ आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ, मैं चौथी पांचवी बार आया हूँ, लेकिन शायद आपको पहली बार देखा मैंने बिहार में, कलकत्ता में, हर जगह में, जगह में आपको देखा हूँ, लेकिन फेस टू फेस में अब पहली बार आपको देख रहा हूँ। अरे बहुत शुक्रिया यार, मैं हर जगह जाता भी हूँ। और हो सकता है शाम को आप मेरे को न्यूज में वहाँ दिखा दो। हाँ दिखा देंगे यार, अरे इतना बड़ा हमारा प्रचार ही कर रहे हो, इसमें दिखाने में क्या, हम तो सब कुछ दिखा देते हैं, बस गाली गलौज नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, प्यार व्यवहार मोहब्बत होना चाहिए बस, इससे और कुछ नहीं चाहिए देश में। और राजीव राहुल गांधी जो नफरत मोहब्बत करते हो, क्या कुछ नहीं है, प्रेम की दुकान नहीं है, दुश्मन की दुकान है वो, राहुल गांधी का पेवर गलत झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता, कोई गलत नहीं है। मैं ये गलत नहीं बोलना, कोई नहीं दूसरा मारने में को आ जाए। अरे मारने का आने, कोई नहीं मारने का, पेवर झूठ बोलता हूँ, नफरत मोहब्बत का कुछ नहीं हमसे, कोई हमारा मतलब देश को ऊपर ले जाओ, गड्ढे मत डालो, ये गड्ढे में डालने वाला काम कर रहा है, पेवर झूठ बोलता है। मोदी जी देखो, हम किसी नेता की बात नहीं कर रहे, मोदी जी कोई भी हो, आदमी वो हो जो इसको ऊपर ले जाए, नीचे ना करे। मोदी जी ऊपर ले जा रहे, आधे में अटके हैं ना फिर पूरा नहीं, आधे में अटके ना, आते जाते जाते पीछे पीछे घूम गए ना वो, 14 के बाद जो कंडीशन थी वो आज नहीं है ना, जो 14 में लहर थी आज नहीं है, जो सोनिया की रहर थी 14 में 13 का पहले, बोले देश कौन चला रहा है, बोले सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन है ना, आज क्या हुआ। लेकिन भैया मैं जानता हूँ, मेरे किसी से कुछ बोलना नहीं, कोई नेता खराब नहीं है, सब नेता अच्छे हैं, लेकिन देश को उन्नति में ले जाओ, गरीबों को आसमान छूने दो, अमीरों की मत देखो, उनके पास तो वैसे ही पैसा है, अपने पास क्या है। तो नेता कोई खराब नहीं होता है, उनकी हरकतें खराब होती है और कुछ नहीं चाहिए। यार आदमी की हरकत खराब होगी तो आदमी भी खराब होगा। हाँ तो दीक्षा भूमि पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बाबा है जो बजाने बजाते रहते हैं, परमानेंट
भीम गीत बजाते हैं, भजन बजाते हैं।